ये क्या है? बाबू भैया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं हमारा होटल, मतलब हम जहाँ स्टे कर रहे हैं, खरीदा नहीं है यार। मिस्टर गुरमीत ओबेरॉय इसके ओनर है और ये रहा होटल। अच्छा बुटीक प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं कि सुकून। बस आप यहाँ पे कोई काम लेके मत आइए अपने ऑफिस का, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करिए, फूड खाना खाइए, ठंड में फ्रेश एयर का मजा लीजिए। और अच्छा टाइम स्पेंड करिए अपनी वाइफ के साथ, वरना वाइफ आपको बहुत बहुत मारेगी। और जो मेरी वाइफ है, ये तो मुझसे हमेशा कंप्लेन करती है कि तुम्हारा फ़ोन नहीं बंद होता। तो मैं बोलूँ यार, आई कांट स्विच ऑफ माई फ़ोन, फ़ोन उठाना ही पड़ता है। तो अब मैं मजबूर हूँ अपने व्यूअर्स को लॉबी भी दिखाएं, या आप अपनी कहानी कहेंगे? अरे यार, मैं तो भूल गया था। अब बीबी है, कंप्लेन तो करेगी ना। क्या कहते हैं? तो मैं एक सेकेंड, इधर का जो थोड़ा छोटा मोटा गार्डन एरिया है वो तो हम पहले अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से प्लांट्स हैं। आप सोच रहे होंगे मैं दिन में भी तो शूट कर सकती थी ना, बट नाइट का जो लाइट है ना वो बहुत अलग आता है, इसलिए मैंने सोचा कि नाइट में शूट करने की बात ही कुछ और है ना। और इनको क्या हवा हवा कर रहे हैं। हाँ तो बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो वेदर नहीं मिलेगा दिल्ली में, आपको नेचर वाली हवा नहीं मिलेगी। दिल से कह रहा हूँ कि बस मन तो करता है यहीं पे मेरा घर हो। नहीं नहीं नहीं, मैं इतने छोटे में नहीं रह सकती। गर्मी में यहाँ पे रहे, सर्दी में हम लोग कहीं और जाके रहे। मतलब हिमाचल रहने का मन है? नहीं, किसी पहाड़ में। तो मैं आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये बहुत छोटे बेबीज के लिए है, तरह से समझिए गार्डन एरिया छोटे बेबीज के लिए क्रिएट किया गया है। कॉकरोच, और यहाँ कॉकरोच भी है। तो लॉबी दिखाएंगे आप? ये प्लांट्स के बीच जो लाइट जगह है ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब लॉबी में। आधा ब्लॉक शूट रवि कर रहे हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है ही नहीं, और आधा वो मुझसे करा रहे हैं। मैंने उनको ये वर्क दिया है कि आप करेंगे कसौली का पूरा ब्लॉक शूट, पर नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली हम लॉबी में आ गए हैं, और मैं आपको लॉबी का व्यू दिखाती हूँ। देखिए यहाँ ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें वो जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं कसौली में। और इसमें से एक भी जगह मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी आए मुझे एक दिन अभी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए। तो ये देखिए, ये पूरा लॉबी एरिया है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको डेकोरेट किया गया है। चीज़ें बहुत सही तरीके से रखी गई हैं, लगाई गई हैं। प्लांट्स छोटे छोटे बहुत हैं, और ये 3 तरह के क्लॉक्स हैं। क्लॉक्स तो सेम है, मीन्स टाइम अलग अलग है। तो ये आप देख सकते हैं, और आगे चलते हैं। और आगे मैं क्या दिखाऊं, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मतलब डेकोरेट अच्छा कर रखा है इन्होंने, और बहुत ही क्लीन है। अच्छा लगता है ना जब आप कहीं जाते हैं और आपको सफाई की आदत है, और आपको वही चीज़ें अगर देखने को मिले, और पहाड़ों पर ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि ऑप्शन कुछ भी नहीं होता, उसमें हमें ढूंढ के एक अच्छे बजट में अच्छा ऑप्शन निकालना पड़ता है। तो ये यहाँ से लिफ्ट है जो अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये फाइनली हो गया लॉबी का एरिया। आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सामने से रेस्टोरेंट देखिए, ये रेस्टोरेंट एरिया है।